So simply the name of the chapter is the bond of love. So in this chapter we will discuss, इस chapter में हम पढ़ेंगे that there is a friendship between humans, इंसान के इंसान से दोस्ती होती है. Whether there is a friendship between humans and animals, क्या जानवरों और इंसानों की friendship होती है या नहीं होती? होती है. वो भी मोस्टली हम कहते हैं पैट एनिमल्स, बट इन दिस स्टोरी विल सी दैट देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन अ लेडी एंड अ बियर. और बियर कैसा एनिमल है? वाइल्ड, जंगली, खतरनाक. तो इस चैप्टर देख व्हाट इज द बॉन्ड ऑफ लव दैट यूनाइट्स द टू, किन दोनों में वो कौन सा बॉन्ड है जो इन दोनों के बीच में दोस्ती करा देता है. तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? वी विल डिस्कस ऑल अबाउट अ बियर. एक बियर के बारे में पढ़ेंगे जिसकी दोस्ती किससे हो जाती है? ह्यूमन से हो जाती है. और जो ये प्रूव करता है दैट देयर मे बी फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. देवरंजन उसको भी करा दूंगा, अभी पोएम है वो भी हो जाएगा. ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है द बॉन्ड ऑफ लव. एनसीईआरटी है किसी के पास? दृष्टि नहीं लव. अरे वो तो सब ऐसे ही है. ये तो सब वही है जिसमें हिंदी नहीं लिखी हो वो चाहिए मुझे. हाँ वो इसके पास. और बिफोर यू रीड चैप्टर से पहले दिया भी गया है, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. सो द ऑथर इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू अस दैट वेदर इट इज पॉसिबल. क्या ये पॉसिबल है कि किसके किसके बीच में दोस्ती हो जाए? ह्यूमन बीइंग एंड वाइल्ड एनिमल्स. क्या जंगली जानवर और इंसानों के बीच में दोस्ती पॉसिबल है? लेट्स रीड. ये माइक जिसका भी ऑन है उसको ऑफ करिए. Let's read a fascinating account of an orphan sloth bear that was rescued by the author. तो कहता है ऐसी एक wild sloth bear, एक बड़े बड़े बालों वाले जंगली भालू की कहानी सुनिए जिसको author ने बचाया. And how he got that bond of friendship with humans, और किस प्रकार से उसकी ह्यूमन से दोस्ती होती. देखिए यहाँ से करिए. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. So the author said that I will start this story. किस स्टोरी की शुरुआत में किसके साथ करूंगा? With Bruno. इस स्टोरी की शुरुआत में Bruno के बारे में बता के करूंगा. And who is Bruno? और Bruno है कौन? My wife's pet sloth bear. मेरी वाइफ का बड़े बड़े बालों वाला पालतू भालू है, उसके बारे में बता के शुरू करूंगा. I got him for her by accident. कहता अब ये जो जंगली भालू है मेरे वाइफ के पास आया कैसे? कहता I got him, मैं लेके आया था उसे. I got him for her. ये जो भालू था ये मैं खुद उसके लिए लेके आया था. And how I got it? I got it in an accident. एक एक्सीडेंट में संयोगवश ये मुझे मिल गया था. और जब मुझे मिला तो मैं इसको लेकर आया और मैंने इसे किसे दे दिया? अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर दिया था. अब वो बताता है कि मिला कैसे उसे. कहता टू इयर्स एगो वी वर पासिंग थ्रू द सुगर कैन फील्ड्स नियर मैसूर. कहता आई गॉट दैट स्लॉथ वियर हाउ मेनी इयर्स एगो? टू इयर्स. कहता दो साल पहले मुझे मिला था. कहते दो साल पहले हुआ क्या था? टू ईयर्स है वो. दो साल पहले वन डे आई वॉज पासिंग थ्रू अ सुगर कैन फील्ड नियर मैसूर. मैसूर के पास एक गांव में किसके खेत से होके मैं जा रहा था? सुगर कैन फील्ड, गन्ने के खेत से होके जा रहा था. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ शूटिंग एट देम. और जिन खेतों से होके जा रहा था वहां पर कुछ लोग थे. द पीपल वर शूटिंग आउट द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम देयर फील्ड्स. लोग अपने खेतों से किसको भगा रहे थे? वाइल्ड पिग्स, जंगली सुअर को भगा रहे थे. वो भी कैसे?
बाय शूटिंग देम, गोली मार के। तो कहता है कि 2 साल पहले एक दिन में मैसूर के पास के गांव के गन्ने के खेत से होकर जा रहा था और मैंने वहां पर देखा कि जो लोग थे वो अपने खेतों से जंगली सुअरों को गोली मार मार कर भगा रहे थे। Some were shot and some escaped. Some of the wild pigs had been shot down. जो कुछ जंगली सुअर थे उन्होंने उन्हें गोली से मार दिया था। And some of they have been escaped. और कुछ बच गए थे, कुछ बच गए, भाग गए थे वहां से। We thought that everything was over when suddenly a black sort of bear came out panting in the hot sun. तो कुछ मर गए, कुछ भाग गए। वी थॉट वी, मैं और मेरे साथ जो लोग थे हम लोगों ने क्या सोचा था, एवरीथिंग वॉज ओवर, सब कुछ खत्म हो गया, मर गए सारे, चले गए। और अभी हमने सोचा ही था कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी क्या हुआ, एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, सडनली अ ब्लैक स्लॉथ हुआ, अचानक से एक ब्लैक कलर का बड़े बड़े बालों वाला जो भालू था, इट केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। ये गर्म धूप में, क्या हॉट सन, धूप निकली हुई थी और तेज धूप में एक जंगली भालू था पेंटिंग, पेंटिंग मतलब हांफते हुए अचानक से खेत से बाहर निकला। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर बियॉन्ड ओनली, और मैं अगर आपका मेरी बात करेंगे, सो आई विल नॉट शॉट अ स्लॉथ बियर बियॉन्ड ओनली, बियॉन्ड ओनली विलिंगली, जानबूझ के। बोले अगर मैं होता तो मैं जानबूझकर बिना किसी रीजन के उस भालू को गोली नहीं मारता, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, लेकिन ये जंगली जानवर के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील द वे अबाउट इट, जैसा मैं फील करता था कि मैं बिना किसी रीजन के उसे नहीं मारूंगा, ऐसा मेरा दोस्त फील नहीं करता था और उसने क्या करा, एंड प्रॉपरली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट। मेरा मानना क्या था, मैं नहीं मारूंगा, कोई रीजन ही नहीं क्यों मारूं, लेकिन मेरा दोस्त ऐसा नहीं सोचता था, जैसे उसे बियर दिखा तुरंत उसने क्या करा, एट वंस ही शॉट इट, तुरंत ही मेरे फ्रेंड ने उसको गोली मार दी। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल मींस व्हेन इट वॉज शॉट, जब उसे गोली मारी गई तो क्या हुआ, वो गिर गया। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, जब हम उस गिरे हुए जानवर को देख रहे थे ना, वी वर सरप्राइज टू सी, तो जब हम उस गिरे हुए जानवर को देख रहे थे तो हम ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, वो इसके पीठ के जो काले बाल थे अचानक से इन बालों ने चलना शुरू कर दिया, उस गिरी हुई बॉडी से वो काले बाल चल रहे थे, अचानक सरप्राइज हो गए, जैसे नहीं अचानक से अपने बाल यहाँ के बाल एकदम चलना शुरू कर दे, इधर आने लगे तो कैसा लगेगा, है ना, बहुत ही अजीब लगे। तो ये कहता जब हम लोग उस गिरे हुए जानवर को देख रहे थे तो अचानक से हमें लगा कि उसके जो पीठ के जो काले बाल थे वो काले बालों ने अचानक से मूव करना शुरू कर दिया उसे बॉडी से, एंड देन वी सॉ, तब हमने देखा कि वो काले बाल नहीं थे, इट वॉज अ बेबी बियर, वो तो बियर का एक छोटा सा बच्चा था, दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो अपनी माँ की पीठ पर राइड ले रहा था और उसी समय उसकी माँ को गोली मार दी गई, तो बेचारा वो खिसक के अब नीचे आ रहा था, लेकिन उतना छोटा था कि केवल उसके बाल ही बाल दिख रहे थे। तो कहता वो एक बेबी बियर था जो अपने माँ की पीठ पर राइड कर रहा था, वेन द सडन शॉट हैड किल्ड हिम, तभी अचानक से उसकी गोली ने उसकी माँ को मार दिया था। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, और जो छोटा सा जानवर था बेचारा बहुत ही दयनीय, ऐसी आवाजें निकाल रहा था, दया आ रही थी, अपनी गिरी हुई माँ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, मैं बहुत दया आ रही थी कि बेचारी की माँ नहीं बची है, और जब ये दया आई तो मुझे लगा चलो मैं इसे पकड़ लेता हूँ, मैं ले जाऊँगा। सो आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, सो आई रैन टुवर्ड्स हिम, मैं उसके तरफ दौड़ा, किस लिए, जस्ट टू कैप्चर इट, मैंने कहा चलो दौड़ के मैं इसे पकड़ लेता हूँ। लेकिन हुआ क्या, इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड, जहाँ उसे पकड़ने के लिए गए ना, इस स्कूटेड, स्कूटेड मतलब हरीडली मूव, बहुत तेजी से ये कहाँ भाग गया, शुगर केन फील्ड, ये उस खेत में भाग गया, गन्ने के खेत में भाग गया। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियन
I was at last able to grab it by the scruff of its neck. And now I followed it with my companion, with my friends. मैंने अपने दोस्तों के साथ इसका पीछा किया. कहते जब वो गन्ने के खेत में भाग गया, मैं और मेरे दोस्त, हम सब लोग उसके पीछे पीछे गए. एंड अल्टीमेटली आई वॉज एबल टू ग्रैब इट बाई द स्क्रफ ऑफ इज नेक. स्क्रफ ऑफ इज नेक मतलब स्किन, जैसे आपने डॉग का देखा होगा, आप इधर ऐसे पकड़ो तो पूरी स्किन पकड़ में आ जाती ना, ढीली सी होती. वो कहता है वही जो स्क्रफ था उससे मैंने उसे पकड़ लिया. While it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws, ऐसा नहीं कि आराम से वो पकड़ गया हो. It was opposing, और कैसे अपोज कर रहा था, by scratching, नोचने की कोशिश कर रहा था, पंजे मार रहा था, crooked claws, जो नुकीले पंजे थे, पंजे मार मार के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, स्क्रैच कर रहा था, नोच रहा था, बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया. We put it in one of the gunny bags, और पकड़ने के बाद हमने इसे कहाँ रखा, गनी बैग्स. गनी बैग जानते हैं किसको बोलते हैं, छोटे से बैग होते हैं जो ऊपर पूरा बंद भी हो जाता है, बिल्कुल है ना, उसी प्रकार का एक बैग होता है. बैग क्या, बोरी जैसी होती है कपड़े की, है ना, जैसे हम लोग बोरी हो का मुंह खुला होता है, उसका मुंह भी खुला नहीं, स्ट्रिंग पड़ी रहती है, उसे स्ट्रिंग डाल दो पूरा बंद हो गया, स्ट्रिंग से ही उठा लेते हैं जैसे लोग, है ना. तो गनी बैग, या जैसे देखा होगा जैसे पंचिंग बैग नहीं होता, ऊपर स्ट्रिंग, इसी प्रकार से होता है. तो कहता उस मैंने गनी बैग में उसको डाल लिया. We had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. तो मैंने क्या किया, उसको एक बैग में डाल दिया. After that, I came back to Bangalore. और उसके बाद अपने घर बैंगलोर वापस आ गया. And I presented it duly to my wife. Duly से मतलब समझते हो, जैसे किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो एक गिफ्ट देने का तरीका होता है ना. तो कहता ठीक उसी प्रकार से मैंने वो बियर अपने वाइफ को दिया जैसे कि लोग दूसरों को गिफ्ट देते हैं. तो मैंने गिफ्ट के तरीके से वो जो बाजू था वो मैंने अपनी वाइफ को दे दिया. शी वॉज डिलाइटेड एंड माई वाइफ वॉज हैप्पी टू गेट इट. मेरी वाइफ उस बाजू को देख कर खुश हो गई. एंड शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक. और ये गले में पट्टा बांध देते हैं तो तुरंत उसने क्या किया, एक कलर्ड रिबन लाई और उसने उसके गले पर बांध दिया. And after discovering the cup was a boy, he christened it Bruno. और जब ये पता चल गया कि वो क्या है, वो मेल है, तो it was christened. Christened मतलब named. उसका नाम क्या रखा गया, Bruno उसका नाम रख दिया गया. Bruno soon to drinking milk from a bottle, and pretty soon Bruno started drinking milk from the bottle. जैसे बच्चे दूध नहीं पीते बॉटल से, वैसी बॉटल से बहुत ही जल्दी उसने भी दूध पीना शुरू कर दिया. इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, और बहुत ही जल्दी एक कदम और आगे बढ़ा. एंड विद इन अ फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स. तो शुरू में उसने किससे दूध पीना शुरू किया, बॉटल से, लेकिन बहुत ही जल्दी उसने सब कुछ खाना और सब कुछ पीना सब कुछ शुरू कर दिया. सब कुछ खाता था, सब कुछ पीता था. कहता है एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, कह रहा हूँ ना कि एवरीथिंग, कहता एवरीथिंग बिल्कुल सही वर्ड था उसके लिए. सब कुछ खाता था, सब कुछ पीता था. फॉर ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट, जैसे पॉरेज दलिया बना जाए, कोई भी इंग्रेडिएंट कितना भी मसाला डलाओ सब खा जाता था. वेजिटेबल खा लेता था, फ्रूट खाता था, नट खाता था, मीट खूब खाता था, स्पेशली पोर्क. और स्पेशली किसका मीट खाता था, पोर्क का. पोर्क जानते हैं किसको बोलते हैं, मीट ऑफ पिग, जो पिग का मीट होता है उसको पोर्क बोलते हैं. तो पोर्क बहुत खाता था, करी खाता था, राइस खाता था, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट एंड चिलीज, कितना मसाला कितना मिर्च पड़ा उससे फर्क नहीं पड़ा होता था, कितनी भी मिर्च मसाला सब खा जाता था. तो ये तो वही खाने की बात, ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट, पुडिंग, आइसक्रीम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. उन्हें जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, खाने वाली है या भी नहीं भी है, जो कैसे सॉलिड फॉर्म में है उनको हम खाते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में है उनको पीते हैं. तो जो भी खाने वाली थी सब खा जाता था. और अब पीने की बात करें, एंड फॉर ड्रिंक मिल्क, दूध पीता था.
टी चाय पीता था, कॉफ़ी पीता था, लाइम जूस नींबू पानी पीता था, एरेटेड वाटर सोडा पानी पीता था, बटर मिल्क छाछ पीता था, बियर भी पीता था, एल्कोहलिक लिक्विड दारू भी पीता था, एनीथिंग लिक्विड ऐसा कुछ भी लिक्विड हो, लिक्विड कुछ मिलता था पी जाता था, सॉलिड मिला खा जाता था, एंड इट ऑल वेंट डाउन विथ रैलिस। और सब कैसे जाता था? विथ रैलिस, स्वाद के साथ, ऐसे नहीं खाने के बाद है ना, बहुत ही स्वाद के साथ बेकार जाता, सब अच्छे से खाता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आर टू एल्सेशियन डॉग्स। तो कहते घर में हमारे क्या थे, दो एल्सेशियन डॉग्स भी थे, एंड नाउ ब्रूनो बिकेम वेरी अटैच्ड। वैसे जानवरों में बहुत दुश्मनी होती, लेकिन जब साथ में रहते हैं तो, मैंने कुत्ते और बिल्ली को एक साथ बैठ के एक थाली में दूध रोटी खाते देखा एक साथ, वैसे दोनों में बहुत दुश्मनी होती, लेकिन जब वो पले होते हैं कि घर में वो साथ में रहते वही करते। तो वो जो दो डॉग, उसके घर में दो एल्सेशियन डॉग्स थे, उनके साथ ब्रूनो की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलो, और हमारे बंगलो में जितने भी टीनेंट्स चिल्ड्रन रहते, टीनेंट्स जानते हैं किसको बोलते हैं, ये किराएदार के बच्चे थे, उन सबसे भी अच्छी ट्यूनिंग थी, उन डॉग से बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन द यंगर डेज, एंड वेन ही वॉज यंग स्मॉल, जब छोटा था तो समय क्या था, ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री, पूरे दिन फ्री घूमता था ब्रूनो, पूरे दिन उधर उधर घूमता रहता था। एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, और पूरा दिन किस में निकालता था, खेलने में निकालता था। रनिंग इन टू द किचन, दौड़ के किचन जाता था। एंड गोइंग टू स्लीप इन आर बेड्स, और सोता कहाँ था, हमारे बेड में सो जाता था, खाने का मन हुआ दौड़ के किचन में चला गया, पूरे घर में इधर उधर दौड़ के खेलता रहता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, लेकिन एक दिन उसके साथ क्या हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। हुआ क्या, आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। कहता मेरे लाइब्रेरी में बहुत सारे रैट एंड माइस हो गई, चूहे और चूहियाँ, मैं बहुत सारे चूहे और चूहियाँ थी मेरे लाइब्रेरी में, और उन चूहे और चूहियों को मारने के लिए मैं क्या लेकर आया था, चूहा मार दबा लाइक दैट है ना, आई हैव ब्रॉट द पॉइजन बेरियम कार्बोनेट। तो कहता रैट्स एंड माइस को मारने के लिए एक दिन मैं अपने घर में क्या लेकर आया, पॉइजन लेकर आया, और कौन सा पॉइजन लेकर आया, बेरियम कार्बोनेट लेकर आया। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, और लाके जैसे चूहे को दी, जैसे हम लोगों घर में चूहा मार दवा पॉइजन ही होता है, उसमें आटे की गोली बना के इधर भी डाल दी उधर भी डाल दी, जिससे कि चूहा खा लेगा मर जाएगा। तो कहता मैंने भी पॉइजन कहाँ रख दिया, ले जाकर लाइब्रेरी में रख दिया। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, अक्सर ब्रूनो क्या होता था लाइब्रेरी में चला जाता था, उस दिन भी वो लाइब्रेरी में चला गया। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और हुआ क्या, क्योंकि कुछ भी मिलता था खाने को खा जाता था, यही हुआ, उसने उस पॉइजन को खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, पैरालिसिस सेट मीन्स पैरालिसिस हो गया, और पैरालिसिस में क्या होता है, नर्वस सिस्टम बंद कर देता है, अगर हाथ में हो गया तो इधर का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दे, एक्चुअली ये सारा कनेक्ट होता है ब्रेन से, है ना, तो उसे वो पैरालिसिस हो गया, दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और उसका प्रभाव ये था कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, खड़ा तो नहीं हो पा रहा था, बट एनी हाउ ही स्टम्प्स घसीटते हुए किसके पास आया, मेरी वाइफ के पास वो घसीटते हुए आ गया। हु कॉल्ड मी, और जैसे ही मेरी वाइफ ने देखा, सी एट वंस कॉल्ड मी, तुरंत मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस वॉट हैड हैपेंड, कहता आई अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया क्या हो गया, मैं समझ गया इसने क्या खा लिया, पॉइजन, कौन सा पॉइजन, बेरियम कार्बोनेट, तो मैं समझ गया कि इसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, और तुरंत मैं कार से कहाँ गया, वेट्स रेजिडेंस, वेट्स रेजिडेंस मतलब वेटरनरी सर्जन है ना, पशुओं के डॉक्टर को क्या वेटरनरी, वेट्स रेजिडेंस मतलब वेटरनरी सर्जन रेजिडेंस, जो जानवरों का डॉक्टर होता है। मैं दौड़ के उसके घर गया, अ केस ऑफ पॉइजनिंग, और मैंने बताया हुआ क्या कि एक पॉइजन का केस है,
टेम बियर मेरे घर में क्या है, एक पालतू भालू है एंड इट हैज़ ईटन बैरियम कार्बोनेट, उसने क्या खा लिया है, बैरियम कार्बोनेट खा लिया, व्हाट टू डू, अब बताइए क्या करना है। तो मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई। तो क्या तुरंत मैंने क्या किया, तुरंत मैंने डॉक्टर को ये सारी बातें बताई। सो आउट केम हिज मेडिकल बुक। तो डॉक्टर ने क्या करा, ही हैज टेकन आउट हिज मेडिकल बुक, मेडिकल बुक की बुक थी उसने बाहर निकाली एंड अ फेवरेट रेफरेंस्ड इंडेक्स बिगिन, और फिर इंडेक्स देखने लगा। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, आप कौन सा पॉइजन बताया आपने, अच्छा अच्छा बैरियम कार्बोनेट आयरस बी बी बैरियम साल्ट बैरियम, जैसे नहीं डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो उसने भी अपनी डिक्शनरी निकाली, उसमें ढूंढना शुरू किया, बैरियम साल्ट बैरियम ये मिला कार्बोनेट मिल गया। सिम्टम्स बोले इसके सिम्टम्स पैरालिसिस, हाँ पैरालिसिस हो जाता है, हो ही गया था पैरालिसिस। ट्रीटमेंट उसने कहा इंजेक्शन ऑफ डॉर्मिस, ये इंजेक्शन लगना है। तो उसने कहा जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, बस एक मिनट रुको, अपना सिरिंज और मेडिसिन ले आता हूँ, चलता हूँ मैं आपके साथ। डैश बैक टू द कार, और फिर दौड़कर हम लोग कार में आए। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्स, और वो भी अपने बैक पर पड़ा हुआ फ्लाउंडरिंग छटपटा रहा था बहुत तेजी से, बट क्लियरली वीकनिंग रह रहा, लेकिन देख के लग रहा था बहुत तेजी से उसकी ताकत कम होती जा रही थी। सम वोमिटिंग, कुछ वोमिट भी हो गई थी उसे। हैवी ब्रीदिंग, बहुत तेज तेज सांस ले रहा था। विथ हैविंग फ्लैंक्स, और जो सांस लेता तो है ना, तो फ्लैंक्स जो थे वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे। एंड गैपिंग माउथ, मुँह खुला था, हाँप रहा था। होल्ड हिम एवरीबॉडी, सबने कहा पकड़ो इसको, क्योंकि क्या लगाना था उसे, इंजेक्शन लगाना था। तो उसने कहा पकड़ो सब इसको। इन गोज द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक थी जो सिरंज थी वो अंदर गई। ब्रूनो स्क्वील्स, ब्रूनो चीखा जब इंजेक्शन लगा। 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम, क्योंकि जो मेडिसिन होता है उसे क्या वो एंटीडोट ही तो होता है। तो एंटीडोट जो 10 cc एंटीडोट थी वो उसको लगा दी गई विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, एक बूंद भी बर्बाद नहीं हुई, 10 cc मेडिसिन उसे दे दी गई। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज, डॉक्टर ने कितनी देर इंतजार किया, 10 मिनट इंतजार किया। ही फाउंड दैट कंडीशन वॉज नॉट चेंज, उसने देखा अभी भी इसकी स्थिति नहीं सुधर रही है। तो उसने क्या किया, अनदर 10 cc इंजेक्टेड। जब 10 मिनट में कंडीशन नहीं सुधरी तो क्या किया डॉक्टर ने, Another 10 cc injected, मतलब one more injection was injected, एक और injection लगा दिया गया उसको और 10 cc। 10 minutes later breathing less stertorous, लेकिन 10 मिनट बाद क्या हुआ, जो सांस लेना था वो कम हो गया। Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand, हाथ पैर भी चला, खड़ा नहीं हो पा रहा था, हाथ पैर चलाने लगा था। 30 minutes later Bruno gets up and has a great feed, 30 मिनट बाद लेकिन खड़ा हो गया और ढेर सारा खाना खाया। He looked at us disdainfully, और बहुत ही गुस्से ऐसे disdainfully, घृणा से हम लोगों को देख रहा था। As much as to say, जैसे कहना चाह रहा हो, What is a barium carbonate to a big black beer like me, Bruno is still, खाते खाते ऐसे लग रहा था अरे ये barium carbonate, ये हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, लाओ खाना लाओ, आने दो आने दो, खाता चला जा रहा था। ऐसे हम लोगों से कह रहा हो कि बैरियम कार्बोनेट हमारा क्या कर पाएगा, इसके बाद हम लोग कल करेंगे, ठीक है बेटा किसी